हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस सीटेट का एक नोटिफिकेशन कह सकते हैं जो जारी हुआ है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये डाउट बहुत लोगों के मन में है क्योंकि बहुत से ग्रुप्स में ये चीजें हो रही हैं कि क्या जो सीटेट अब आगे होने वाला है क्या वो ऑनलाइन रहेगा या फिर ऑफलाइन। इस तरीके से यहाँ पर ये सभी के मन में ये डाउट है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सीटेट है वो इस बार ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अब ऑनलाइन मोड में होगा तो क्या इसका सिलेबस चेंज होगा, किस तरीके से होगा, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत शॉर्ट में मैं अगर बता दूं तो देखो, एक तो जो सीटेट है वो ऑनलाइन होने वाला है। यहां पर सिलेबस में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। जो आपके 5 सब्जेक्ट है उसी तरीके से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जो टाइम आपको मिलता था, टाइम पीरियड जो मिलता था आपको 150 मिनट का, वही मिलने वाला है और स्ट्रक्चर भी सेम रहने वाला है। मतलब 150 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं और ये आपको 150 मिनट में ही सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पर बस ये है कि ऑनलाइन मोड से होने से बहुत से लोगों को हो सकता है कि दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या आप मॉक टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-5 मॉक टेस्ट दीजिएगा। जैसे जब ऑफलाइन था तो हमने क्या बात की थी कि हम ओएमआर फिल कर देखेंगे, कि जैसे ओएमआर होती है उसको हम इसलिए फिल कर देखेंगे कि कहीं ये गोला बाहर तो नहीं जा रहा, कहीं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, हम इसलिए ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन मोड पर है तो हम क्या करेंगे, हम मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगे सीटेट की साइट पर। तो जब भी सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद की ये प्रोसीजर रहेगी। अब ऑनलाइन मोड से क्या है, मैं यहाँ आपको उसके फायदे बताना चाहूंगी कि बहुत से लोग होते हैं जो डर जाते हैं कि भाई ऑनलाइन हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो हम किस तरीके से अब उस पर वर्क करेंगे, हमको तो आते हुए भी हम पता नहीं कंप्यूटर पर जो टिक है सही आंसर्स के क्या वो कर पाएंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो पैसेज पूछे जाते हैं तो उसका हम किस तरीके से आंसर करेंगे, इस तरीके से डाउट रहते हैं लोगों के मन में, तो उसको आज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, अगर हम पैसेज की बात ले लेते हैं तो देखो, हर जैसे ही आप स्लाइड चेंज करोगे कंप्यूटर में तो आपके हर क्वेश्चन के ऊपर आपको पैसेज दिखेगा, सेम वही पैसेज रहेगा, फिर उस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। फिर सपोज ये पेज नंबर 1 है, फिर ये दूसरे पेज पर वापस पूरा का पूरा पैसेज रहेगा मतलब, और फिर ये क्वेश्चन रहेगा। तो बार बार आपको इधर से उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से कंफर्म हो गई होगी और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी कि पैसेज अगर पूछा है तो वो हर क्वेश्चन के पहले आपको पैसेज देंगे। तो इससे आपको यहाँ इधर उधर बार बार स्क्रॉल करने की या बार बार पेज टर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ऑनलाइन मोड के देखो अब फायदे सुनो कि ऑनलाइन मोड के फायदे क्या है। एक तो क्या है, ओएमआर में जब आप टिक करते हो तो इस तरीके से आपको एक पूरा गोला इस तरीके से फिल करना पड़ता है, ठीक। जब आप ऑनलाइन मोड में जाओगे तो केवल उस गोले पर कंप्यूटर का कर्सर लाकर, माउस से कर्सर लाकर और उस पर ऐसे टिक कर दोगे, तो एक तो टाइम बचेगा, टाइम जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है क्योंकि पैसेज होते हैं, सीडीपी के इतने बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और इस बार उन्होंने साफ साफ कहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्वेश्चन आएंगे और एनालिटिकल बेस्ड होंगे। इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इस तरीके से घूम जाएगा। वैसे भी सीटेट में क्या होता था, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते थे, लेकिन इन्होंने इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा हुआ है कि अब फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछकर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कैसे होंगे, क्रिटिकल बेस्ड होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होंगे और एनालिटिकल होंगे। अब यहां पर एक तो देखो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो उसका यूज हम कहां कर पाएंगे, एक तो अपने पैसेज में लगा पाएंगे। मैथ साइंस वाले हो तो मैथ्स में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, वहां बचा पाओगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे सपोज ये ओएमआर हम अपनी फिल कर रहे हैं और पहले का हो गया डी, लेकिन बाय मिस्टेक हमने ऐसे सी पर थोड़ा सा फिल कर दिया, तो अब क्या होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन में देखो आपको ये चीज बहुत अच्छी मिल रही है कि यू कैन चेंज 150 मिनट के अंदर, जब तक आप सबमिट नहीं कर रहे हो आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है उसको फ्लैग कर सकते हो। फ्लैग मतलब यहां पर आपको ऐसे डाउट वाला यहां पर आपको दिख जाएगा
येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, इस तरीके से चार ऑप्शंस दिखते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये डाउट वाला भी एक फ्लैग करके रहता है, तो जैसे आप उसको टिक कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 59 क्वेश्चन को डाउट में छोड़ा हुआ है। तो जैसे ही जब आप सबमिट करने जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे डाउट वाले हैं, जैसे ही आप उस पर आओगे। लेकिन अगर आपने उसको डी टिक कर दिया होगा, डी पर, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा सोचने के बाद नहीं यार डी है ही नहीं, इसका सी होगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो देखो ऑनलाइन से बिल्कुल ऑनलाइन मोड से घबराना नहीं है, ऑनलाइन मोड के फायदे देखने हैं कि ऑनलाइन मोड में क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से हम देखो एक तो टाइम बचा पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी एग्जाम के लिए हम टाइम को कैसे बचा पाए। एक अलग से वीडियो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बना रखी है, चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा, सीटेट स्ट्रेटेजी करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर मिल जाएगी। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। बस अगर ये है कि कुछ लोगों को अगर कंप्यूटर नहीं आता है, जैसे जिसने बिल्कुल नहीं चलाया, बहुत से लोग होते हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कि जिन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया होगा, तो देखो आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो फ्री में अवेलेबल रहने वाले हैं सीटेट की साइट पर। जब भी होगा मैं आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इस चीज की वीडियो बने तो आप लोगों को पता जरूर चल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चीजें हैं कंसेप्चुअल वाली, ये और थोड़ा सा समझ लो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या ये चीज अच्छी है या बेकार। तो देखो एक चीज आपको भी पता होगा कि चीजें रटते हम कहां तक रटेंगे कोई चीज। एमपी टेट में यही दिक्कत आती है कि सीडीपी में मोस्टली 20 से लेकर 22 क्वेश्चन, मतलब 20-22 क्वेश्चन क्या होते हैं, फैक्चुअल हो जाते हैं, और लगभग 7-8 क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं। लेकिन यहां पर सीटेट में अब फैक्चुअल तो बिल्कुल मना ही कर दिया है, सारी चीजें रहेंगी अब कंसेप्ट बेस्ड। तो कंसेप्ट तो भी समझना रहता है, और चीजें हम समझ जब लेते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक रन करती है, आप सबको पता होगा। फैक्चुअल कितनी चीजें रटोगे, चलो आपने 100 चीजें, 500 चीजें, 1000 चीजें रट भी ली, तो क्या गारंटी है कि आप उन 1000 पॉइंट्स को ही बिल्कुल एग्जाम टाइम तक याद बने रहेंगे। हो सकता है उसमें एक आध पॉइंट हम भूल जाए, और जो पॉइंट हम भूल रहे हैं वही एग्जाम में आ गया तो हमारे मार्क्स तो कट जाएंगे ना। तो कंसेप्चुअल मतलब कंसेप्ट बेस्ड है। यहां पर सारी चीजें आपकी रीजनिंग, आपकी एबिलिटी, आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, आप कहां तक सोच सकते हो, ये सब मैटर करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इनसे डरना नहीं है कि यार फैक्चुअल नहीं पूछे आएंगे अब मैं क्या। भाई कभी कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना कोई चीज, लेकिन अगर वो कंसेप्ट पर बेस्ड है, कंसेप्ट क्लियर होगा, आप कर लेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आया उसके जो चार ऑप्शन है एक एक करके अवॉइड करते जाएंगे। हाँ ये वाला है नहीं है, इसको ऐसे करना है, ये वाला हाँ ये नहीं हो सकता, अब डाउट है इन दोनों में, तो फिर से अपनी क्या एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे। हाँ यार ऐसा थोड़ा सा भी अगर हमको कहीं भी निगेटिव दिख रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखो ऐसे लगाना पड़ेगा, इसकी भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर चैनल पर अपलोडेड है, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वो देखिएगा, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक सीटेट पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कितने क्या सब्जेक्ट है, कैसी क्या मार्किंग है, कैसे तैयारी करनी है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में ही आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद दिसंबर से जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। आज का सेशन देखो यही बताना था कि ऑनलाइन मोड से डरना नहीं है, ऑनलाइन मोड के क्या क्या फायदे हैं, और उसके बाद ये सब चीजें जो फैक्चुअल कंसेप्चुअल ये माइंड में बिठा रखें, ये सब कुछ नहीं, बस अपनी तैयारी करते जाओ। नेक्स्ट वीडियो सीटेट पर बेस्ड रहेगी, सीटेट कैसे क्लियर करना है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी बुक्स है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो यहीं पर पूरी करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।